नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। आज की दोस्तों जो जॉब है वो निकली है साउथ इंडियन बैंक की तरफ से, जिसमें कि आवेदन मांगा गया है प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए, जिसमें कि सभी भारतीय, आप इंडिया की किसी भी स्टेट से हैं तो आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों जॉब के लिए जो है वो जा सकते हैं। एक तरह का दोस्तों प्रोग्राम है जिसके बारे में आज मैं जो है आपको पूरे डिटेल से बता दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। लिंक मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करके रीड करके फिर इसके लिए अप्लाई करिएगा। बिना देखे बिना रीड करे हुए अप्लाई मत करिएगा। और साथ ही दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अप्लाई जो है वो कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया नोटिफिकेशन में। सबसे पहले दोस्तों उन्होंने बता दिया कि ये एक तरह का प्रोग्राम होता है जिसमें एक साल का जो है वो कोर्स होता है, जिसके दौरान आपको जो है वो सैलरी भी दी जाती है। कितनी दी जाती है उसके बारे में थोड़ी देर में आपको जो है वो बताने वाला हूँ। और जैसे ये दोस्तों साल का कोर्स आप पूरा कर लेते हैं उसके बाद आप डायरेक्ट अपॉइंट कर दिए जाते हैं साउथ इंडियन बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो है वो 4 दिन जो है वो दिए हैं आपको अप्लाई करने के लिए। 10/12/2018 को आवेदन शुरू हो गए थे, लास्ट डेट जो है वो 16/12/2018 तक है, यानी कि कल तक ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो जल्दी से जो है आवेदन कर दीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट दोस्तों आपका होगा 29/12/2018 को। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है 60% मार्क्स के साथ तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते। आपका रेगुलर कॉलेज जो है वो होना चाहिए। एज दोस्तों आपको 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी हैं तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन आपको जो है वो दे दी जाएगी। 30/11/2018 तक आपकी एजुकेशन और एज जो है वो 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एजुकेशन जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अपेयर वाले भी जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप जो है किस तरह से जो है वो फीस देनी है आपको, कितनी आपको स्टाइपेंड वगैरह जो है वो दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो 8 मंथ का जो है आपका एक कैंपस प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको जो है वो क्लासरूम स्टडी करवाई जाती है और 4 मंथ की इंटर्नशिप होती है जो कि बैंक ब्रांच में दी जाती है, और इनके दौरान आपको थोड़ा बहुत स्टाइपेंड भी दिया जाता है। लेकिन अगर आप जैसे इस कोर्स को पूरा करते हो तो आपको सीधे जो है वो पीओ की पोस्ट मिल जाती है, जिसमें आपको स्केल 1 की जो है वो सैलरी दी जाएगी। इस प्रोग्राम की दोस्तों जो फीस है एक साल की वो पड़ती है आपको 3.5 लाख, यानी कि आपको 3.5 लाख रुपए जो है वो देने होते हैं। उसको इंस्टॉलमेंट पे देना, उसके बारे में वो आपको जो है वो ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियली लोन जो है वो भी मिल सकता है। अगर आप इसी बैंक के थ्रू जो है वो लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन भी जो है वो मिल जाएगा। उसके बारे में डिटेल आप यहाँ पे जो है वो रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इंसेंटिव आपको क्या मिलेगा इन जो है वो कोर्स के दौरान। 3,000 पर मंथ आपको 8 मंथ के लिए दिए जाएंगे, और जैसे ही आप 8 मंथ कंप्लीट कर लेंगे 4 मंथ की इंटर्नशिप में आपको जो है 15,000 पर मंथ जो है वो सैलरी भी दी जाएगी। और उसके बाद दोस्तों जो बोनस वोनस वगैरह जो है वो अलग से दिए जाएंगे। और जैसे ही आप एक साल का कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो है वो रख लिया जाएगा। 2 साल के प्रोविजन पीरियड के लिए रखा जाता है और उसके बाद आपको जो परमानेंट कर दिया जाता है। सैलरी स्केल दोस्तों आपका ये वाला रहने वाला है, लगभग जो है वो 50,000 के करीब आपको जो है वो सैलरी दी जाएगी। लोकेशन दोस्तों आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है, जहां जहां पे बैंक होंगे वो आपको जो है वो जॉब पे वहां पे रख सकते हैं। प्रोफाइल के बारे में आप जो है वो कहीं भी इंटरनेट पे जो है वो रीड कर सकते हैं कि क्या प्रोफाइल होती है पीओ की। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। ऑनलाइन टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगी और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों को दोस्तों 800 रुपये की फीस जो है वो पे करनी है, बाकी एससी एसटी कैटेगरी वालों को सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये की जो है वो फीस पे करनी है। ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई जो है वो करना है और ऑनलाइन मोड से ही फीस जो है वो पे करनी है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी से भी आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये कुछ स्कैन कॉपीज हैं जो आपको पहले स्कैन करके रखनी है, अगर आप अप्लाई जो है वो करने वाले हैं तो इनके बारे में आप रीड कर लीजिएगा। पेमेंट फीस की दोस्तों 16/12/2018 से पहले पहले आपको जो है वो कर देनी है, ज़्यादा लेट मत होइएगा। ऑलरेडी जो है वो लेट है, 4 दिन का उन्होंने टाइम दिया है, तो अप्लाई ऑनलाइन जो है वो फटाफट कर दीजिए। तो इसके बाद दोस्तों ये वो सिटीज़ हैं यहाँ पे एग्जाम जो है वो होने वाले, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, दिल्ली, एनसीआर, अहमदाबाद, ये आप जो है वो रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ही एग्जाम होंगे, इनके अलावा कहीं भी जो है वो एग्जाम्स नहीं होंगे। और जो ये जो कोर्स होगा ये दोस्तों बेंगलुरु के अंदर होगा, मणिपाल ग्लोबल जो होती है वहाँ पे जो है वो ये कोर्स होगा। उसके बाद दोस्तों एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको आने वाले हैं, किस तरह का एग्जाम आएगा, कितने मिनट का होगा, क्या मार्क्स के बारे में भी आपको यहाँ पे जो मिल जाएगी। बाकी आपको जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों ये तो थी नोटिफिकेशन की बात। अगर आप करना चाहे तो आप जो है वो ये कोर्स कर सकते हैं, अगर आप पीओ की पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन जो है वो कैसे करना है।
दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे आना है। ये लिंक तू का ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करके आप इस पेज पे आराम से आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद दोस्तों, आप यहां पे जो है वो स्टार्टिंग डेट देख सकते हैं कि आपको जो है वो 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक आवेदन करने हैं। आज जो है वो 15 तारीख है, यानी कि आज ही के दिन आवेदन कर दीजिएगा या कल सुबह सुबह जो है आवेदन इसके लिए कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो डिटेल है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर जो है बटन दिख रहा है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। लगभग जो है मोस्ट ऑफ दी बैंक्स जो होते हैं वो इसी थ्रू जो है वो आवेदन लेते हैं। तो यहाँ पे आके आपको जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और ये बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो फिल कर देना है और यहाँ पे आपको पेमेंट वाले सेक्शन तक पहुंचना है और आप अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।